देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के अन्य 13 अधिकारियों की तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर के करीब CDS का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दर्दनाक हादसे में हुई मौत पर देश में शोक की लहर पसरी हुई है। ऐसे में यवतमाल जिले के दीगरा शहर में गुरुवार शाम को मनोहर उगड़े शहीद स्मारक समिति की ओर से जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और अन्य सेना के अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर आयोजित शोक सभा में स्मारक समिति पदाधिकारियों ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। विपिन जी राउत हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत पत्नीसह 13 आपले कमांडो सुद्धा शहीद झालेले आहे। त्यांना शहीद मनोहर उगडे स्मारक समितीतर्फे आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली या ठिकाणी अर्पण करण्यासाठी उपस्थित झालेलो आहोत। अशा शूर वीराला शूरवीराबद्दल अभिमान सर्वांनाच असायला पाहिजे। CDS जनरल माननीय बिपिनजी रावत साहेब यांचं कालच्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत त्यांच्या पत्नीसह निधन झालेलं आहे। त्याचबरोबर त्यांच्या या दुर्घटनेत आपले 13 जवान शहीद झालेले आहेत। त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आज शहीद स्मारकच्या वतीने शहीद मनोहर उगडे यांच्या स्मारक समितीच्या वतीने आज आम्ही इथे सगळेजण जमलेलो आहोत। त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली संपूर्ण दिग्रसकरांकडून आम्ही अर्पण करतो। इस शोक सभा में न सिर्फ स्मारक समिति के पदाधिकारी बल्कि परिसर वासियों ने भी शिरकत कर बिपिन रावत और हादसे में अन्य मृत हुए सेना अधिकारियों के प्रति कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पण की है। BCN न्यूज के लिए दीगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट।